नमस्कार, आप देख रहे हैं आईबी इंडिया न्यूज और मैं हूं आपके साथ इस बुलेटिन में अरविंद कुमार सिंह। छिंदवाड़ा जिले के अमरवाड़ा में उस वक्त लूटपाट की घटना को अंजाम देने वाले गंभीर लूट डकैती के आरोपी को पुलिस के परिश्रम द्वारा पकड़ा गया, जबकि किसी अज्ञात व्यक्ति द्वारा टेलीफोन पर थाना प्रभारी अनिल सिंघई को सूचना दी गई कि अमरवाड़ा से लगभग 20 किलोमीटर दूर बागदेव मड़िया के पास न्यू पॉइंट के जंगल में एक बोलेरो वाहन दिखी गई है, जिसमें 5 से 6 लड़के छुपे हुए दिखाई दिए। इसमें कोई लूट की घटना को अंजाम देने की फिराक में थी। पुलिस ने अपनी सक्रियता दिखाते हुए सभी को धरदबोचा और जेल भेज दिया। बताया जा रहा है कि सभी आरोपी विभिन्न स्थानों से आकर हर्रई निवासी रेहान खान की ओर से इरशाद खान की मदद से पिछले 2 दिन से हर्रई में रुके थे, जिसमें आरोपी फयाज अहमद निसार खान, साहिद बरघाट, संबित कहानी वारा सिवनी के यहाँ सभी लूट डकैती तथा गोवंश तस्करी की योजना में लगे थे। इस पूरे साजिश में किराए पर एक 4 पहिया वाहन भी लिया गया था। ये सभी भाग देवरिया की झाड़ियों में छोड़ कर लूट एवं डकैती की योजना को अंजाम देने वाले थे, जिसमें आरोपी साहिब 2014 में थाना हरी जिला सिवनी में 28 लाख की लूट के मामले में लिप्त है। इसी प्रकार फरार आरोपी हरई निवासी रिहान खान भी गोवंश तस्करी का आरोपी रह चुका है। इस प्रकरण में अभी और महत्वपूर्ण तथ्यों का संकलन एवं विवेचना जारी है। इसके साथ साथ ये जो एक बरघाट का, 2 नागपुर की है और 2 हर्रई की है, ऐसे टोटल 6 लोगों की गिरफ्तार की गई। कुछ लोग इस समय फरार है, तो उनके द्वारा जो बस तस्करी के काम किए जाते हैं उसमें कुछ पैसे ऐसे कमी और उस दृष्टि से उन्होंने लूटपाट की घटना को अंजाम देने का प्रयास किया था। इससे पहले भी